क्यों ना दुनिया भर के क्रिकेटर्स को ऐप में ले लें। तो एंजॉय करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस लाइव सिर्फ और सिर्फ दराज पर। डाउनलोड दी ऐप नाउ। One run.
8 overs.
चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के अपनी मैं कभी चुक नहीं सकता, मिटने को तो ये दुनिया भी।
only e-commerce platform with plans, then choose your target audience. Choose the products you want to advertise, then launch your campaign. Through artificial intelligence, Ecwid automatically optimizes your Google Shopping advertising. You just sit back and track the results in your Ecwid store dashboard. That's it. And for a limited time, Ecwid is offering participating merchants a $150 credit to advertise on Google. Just spend $150. Conditions apply. By far the quickest and easiest way I have found to set up effective adverts. Great for technophobes like me. जैसा कि आप सबको पता है कि आज पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान बड़ा मुकाबला खेला गया। ये T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का पांचवा मुकाबला था। दोस्तों पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन यहां पर दोस्तों कप्तान बाबर आजम छा चुके हैं। कप्तान बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप के पांच मुकाबलों में 4 50s कर ली हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड कोई भी नहीं बना सका। लेकिन दोस्तों यहां पर स्कॉटलैंड का एक बॉलर जिसको छक्के पड़ रहे थे, वो बाबर आजम को आंखें दिखाने लग गया, बाबर आजम पे गुस्सा करने लग गया, बाबर आजम को गंदी गंदी गालियां दी। लेकिन फिर बाबर आजम ने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने बल्ले से बाबर आजम ने उस खिलाड़ी की तबीयत साफ कर दी। बाबर आजम ने 5 चौके और 3 और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। बाबर आजम ने 140 की स्ट्राइक रेट से खेला। उसके बाद मोहम्मद रिजवान 15, फखर जमान 8, मोहम्मद हफीज 31 और शुएब मलिक और आसिफ अली की भी धुआंधार बल्लेबाजी रही। अगर आप बैटिंग देखना चाहते हैं, बाबर आजम की छक्के चौकों की बरसात देखना चाहते हैं और ये लड़ाई देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। और आसिफ अली ने 4 बॉलों पर 5 स्कोर बनाए, जिसके बाद शुएब मलिक की जो बीवी है उन्होंने छक्के चौकों की बरसात देखकर झूम उठी, जिसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और छक्कों की बरसात देखना चाहते हैं, आखिरी ओवर में जो छक्के लगे, चौके लगे, वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। छा सकता है अमरीकी मुतालबात सुनने की दूसरी आम वजह पाकिस्तान करते हुए बताया और कहा कि अमरीका से ताल्लुक अमन के शराकत दार का होगा। इन हालात के तनाजर में पाकिस्तानी हुकूमत और अदारों का ये फैसला बिलाशुबा एक जुरतमंदाना फैसला है, जिसमें यकीनन चीन और सी पैक के किरदार को भी फरमोश नहीं किया जा सकता। इस फैसले को इस तरह एक पॉलिसी शिफ्ट या फिर ब्लैक चैलेंज भी करार दिया जा सकता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में साबित कदमी का मुजाहरा करेगा। पाकिस्तान की जानब से वादे और 2 टोक इनकार करने के बाद यही तवक्को है कि अमरीका हिंदुस्तान में कोई अड्डे हासिल करे, और इसे भारत और अमरीका के मबैन पोर्ट का मुआहदा भी तय हो चुका है। अगर अमरीका हिंदुस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद करता है, तो भी इसे इम्कानी तौर पर पाकिस्तान की फिजाई हदूद को इस्तेमाल करने की इजाज़त चाहिए।
No answers. Scroll again. Maybe the next page? No! This really... Let's start from the top. Liner picks out the results trusted by the people so you know which page is helpful. Before entering, see if the page has what you need. Once you enter the page, just...